देख सकते हैं आप जो ये फ्लैग मारा जा जो स्वीदा पुलिस प्रशासन सिविल प्रशासन ने डाला निकाला है ये, यहाँ आप देख सकते हैं गांव डिडवाड़ा में पहुँचे हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी साहब से भी बात करेंगे कि किस तरह का ये फ्लैग मार निकाला जा रहा है। सर आज पूरा स्वीदा प्रशासन पुलिस प्रशासन सिविल प्रशासन आज पूरा जो फ्लैग मार्च निकाला है, क्या विशेष मकसद है सर इसका? बस लॉकडाउन के ये नियम है भाई, लॉकडाउन का लोग पालन करें, इनको मोटिवेट किया जा सके और बताया जा रहा है, साथ में अनाउंसमेंट कर रहे हैं भाई। कोई पिछले दिनों में कोई भी जैसे मजदूरी करते हैं बाहर, उदयपुर है, जयपुर है या पंजाब में या कोई दिल्ली से आए हैं, तो वो अपनी पहचान को छुपाए ना, अपना मेडिकल करवा लें। अगर हमें इसके बाद पता लगा ना भाई इसने मेडिकल नहीं कराया, तो 307 IPC का मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया, क्योंकि इससे मतलब ये संक्रमित बीमारी है और कोरोना की मतलब महामारी है ये, तो इसे फैल सकती है, तो इसके बचाव के लिए हम लोग के साथ में अनाउंस भी कर रहे हैं और अपना मतलब जैसे लॉकडाउन में तो लोग पालन करें, अगर कोई हमें मिल भी गया पालन नहीं करते ताकि डाल के ले जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई। तो सर आज सुबह से जो पूरा पुलिस प्रशासन स्पीडो प्रशासन जो ये फ्लैग मार्च निकाल रहा है सभी पूरे स्पीडो क्षेत्र सभी हर एक गाँव के अंदर, तो किस तरह की स्थिति बनी हुई सर? अभी वो तो आपने देखा ही होगा जी सर, जो हम 10-12 गांव से आए हैं उनमें पूरी तरह लॉकडाउन है, सभी गांव में लोगों ने अपनी नाके लगाए हुए हैं पब्लिक ने खुद, और हमारे साथ में आज SHO जो टीम है जिसके अपने तहसीलदार साहब हैं, DDPO मैडम हैं और अपने CIE है, सभी टीम ने लेके हम सारे कामों का दौरा करें, तो क्या शाम तक ही आज फ्लैग मार्च चलता रहेगा? फ्लैग मार्च चलता लगातार, हाँ बस यहाँ भी करेंगे, पिल्लूखेड़ा में भी आज मैंने किया था दो तीन गांवों का और बाकी बचे उन गांवों का, फिर पूरा स्पीडो क्षेत्र आज कवर करना है, पूरी स्पीडो सब डिवीजन क्लियर कर। ठीक है सर, इसी कड़ी में बात करेंगे BDPO मैडम हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का आज फ्लैग मार्च निकाला गया है। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप जो ये फ्लैग मार्च पूरे स्पीडो क्षेत्र में जो निकाला गया है, पूरा स्पीडो प्रशासन आज फ्लैग मार्च के दौरान यहाँ से पूरे स्पीडो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से जो राउंड लगा जा रहे हैं ताकि लॉकडाउन में और जो कोरोना वायरस फैला हुई वैश्विक महामारी उसको लेकर पूरी तरह से स्पीडो प्रशासन सतर्क है, और यहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र जो स्पीडो का है सभी हर एक गाँव के अंदर राउंड लगाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए कोरोना वायरस को लेकर। जैसे कि जिला जींद निडानी गांव में ये कोरोना वायरस मिला था और जो गांव के अंदर टिकरी पहले लगाए गए उसका एक बेनिफिट ये है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति किसी गांव में ना आए और ना ही कोई गांव का व्यक्ति बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकले यहाँ से, तो यह टिकरी पहले भी लगा हुआ है सामने देख सकते हैं आप, ग्रामीण टिकरी पहले लगाया ताकि कोई भी व्यक्ति अननोन व्यक्ति गाँव के अंदर दाखिल ना हो सके, जिसके लिए पूरी तरह से सभी जो ग्राम पंचायतें मुस्तैद हैं, बना रही ग्राउंड मीडिया के साथ। इस तरह की पूरे क्षेत्र स्पीडो की रिपोर्टिंग हम दिखाते रहेंगे आपको लॉकडाउन के दौरान कि यहाँ किस तरह की क्या स्थिति बनी हुई है। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, गांव डिडवाड़ा से। ग्राउंड मीडिया मौजूद है गांव सलाना में और यहाँ देख सकते हैं आप सदर SHO की गाड़ी, यहाँ सबसे पहले सदर SHO हैं और उसके बाद DSP चंद्रपाल बिश्नोई हैं जो चल रहे हैं। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है यहाँ, तो सभी जो ग्रामीण क्षेत्र है अनाउंसमेंट की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ और पूरा प्रशासन, यहाँ BDPO कीर्ति सुरहीवाल की भी गाड़ी है और यहाँ देख सकते सभी पुलिसकर्मी सिविल प्रशासन सभी यहाँ जो गांव भुसराणा में भी पहुँचे हैं, जो पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है स्फीदों का सब पूरे क्षेत्र में यहाँ तहसीलदार साहब मौजूद हैं, आराम से बात करेंगे। सर किस तरह का फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है आज? बस सुख शांति रहे, ज़्यादा आदमी घर से बाहर ना निकले, यही प्रशासन का प्रयास है। तो सुबह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्पेशल फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पुलिस द्वारा भी सिविल प्रशासन द्वारा भी, क्या मकसद है सर इसका? यही संदेश दे रहे हैं भी कोई काम हो उसी वही आदमी को खेत चार का काम हो वही करे, ज़्यादा आदमी 10 आदमी 5 आदमी इकट्ठे ना हो, साथ ना खेले, कोई हवारा गर्दी ना करे। आप ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी? बिल्कुल शांत प्रिय है स्पीडो के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ देख सकते हैं आप ये जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है स्पीडो प्रशासन द्वारा, हमने इनसे बात करी अभी, इन्होंने बताया कि पूरे स्पीडो ग्रामीण क्षेत्र में जो फ्लैग मार्च निकाला है आज, हर स्थिति पर प्रशासन
पूरी तरह से निगरानी रखे हो ताकि किसी तरह कोई कोताही ना हो, कोई बैड एलिमेंट किसी तरह की कोई गल हरकत ना करें। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आगे भी आपको सफेदो क्षेत्र से सभी हालात लॉकडाउन के दिखाते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और